मिजाज है बड़ी दिवाली, और दिवाली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को और हमारी YouTube फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो शिवाय अभी भी सो रहे हैं और इनके लिए दूध में ठंडा कर रही हूँ। अच्छा है, जितना सो लें उतना अच्छा है, वरना ये जैसे ही उठेंगे तो ये भागते रहेंगे और खेलते रहेंगे अपने दादा के साथ। काफी सारा समय जाएगा किचन में, क्योंकि किचन में बनेगा बहुत सारा खाना, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या बनने वाला है। पर उससे पहले करेंगे हम नाश्ता। हमारी पालक की पकौड़ी और ये बेसन रेडी हो गया है जिमीकंद के लिए, तो जिमीकंद की भी पकौड़ियाँ बनेंगी। नाश्ता वाइंड अप कर लें, उसके बाद खाने की तैयारी में लग जाएंगे। चाय चढ़ गई है और इधर कढ़ाई भी चढ़ी हुई है हमारी पकौड़ियों के लिए। सबसे इजी और जल्दी बनने वाला नाश्ता है, फटाफट रेडी हो जाएगा। जिमीकंद की पकौड़ियाँ, और जिमीकंद की पकौड़ियों में थोड़ा सा लगता है समय, पर खाने में काफ़ी बढ़िया लगती है। बस हल्का सा बेसन और चावल के आटे में मिक्स करके इसको डाल दीजिए और कुरकुरी कुरकुरी रेडी हो जाती है हमारी पकौड़ियाँ। एक हो गया है छोटा सा लोचा, तो जो बाहर झालरें लगी हुई थी गेट पे, वो यहाँ के गांव के बच्चे नोच के लेके चले गए, तो मे भी शायद दूसरी झालर लगे, तो अभी उस पर कार्रवाई चल रही है कि क्या हुआ एग्जैक्टली। टाइम है और दौवा लगे हुए सफाई करने में, सारे घर की सफाई हो चुकी है, बस कुछ कमरे बचे हैं, तो धुलाई चल रही है। धुलाई करने के बाद, पोछा लगने के बाद सारी चीजें हो जाएंगी वाइंड अप। अभी आंगन भी बचा हुआ है, ऑलरेडी धुल चुका है और ये तीसरा और फाइनल राउंड है, इसके बाद अब धुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने अपना कमरा भी कर दिया है पूरी तरह से सेट, तो पूरी दिवाली वाली वाइब्स आ रही हैं। अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है मैंने, वगैरह हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं बाकी तैयारी करने। तो अब दोपहर का खाना हुआ है, बट जो मेन दिवाली का खाना है वो अब बनाने जा रहे हैं, तो फटाफट वो वाइंड अप करेंगे ताकि बाकी काम भी निपटा सके। ये बनेगा सोया मेथी का साग, तो कट के रखा हुआ है, अभी इसको बनाना है। हो चुकी है बॉयल, तो भुइया की सब्जी बनेगी, ये सासू माँ की फेवरेट है। कद्दू, ओकेजन में कद्दू जरूरी बनता है। सेटअप कर लिया हमने नीचे, क्योंकि काफ़ी सारा खाना बनाना था, और ये हमारी कचौड़ी की बैटर रेडी हो रही है, और ये हमारा पनीर हो चुका है फ्राई। तो यहाँ पे पांच फैमिली मेंबर हैं, मतलब मेल मेंबर, तो उनके लिए पांच चीज़ें बनी हुई हैं। अलैया वलैया बोलते हैं, तो इसको जलाया जाएगा जैसे होलिका में होलिका दहन होता है, पर यह थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हम लोग हो गए हैं तैयार, ये लोग अभी भी रंगोली बना रहे हैं, रंगोली कार्यक्रम चल रहा है अभी भी, सेंटर में बनाई जा रही है रंगोली। क्योंकि हम लोग सुबह से लगे हुए थे काम में, इसीलिए हम लोगों को अभी समय नहीं मिला अपने आप को रेडी करने में। सुबह से खाना बन रहा है यहाँ पे, सुबह से खाना बन रहा है। पकवान जरूर दिखाएंगे कि कितने सारे खाने बने हैं, इसीलिए हमें इतना समय लग गया है ना भाभी। क्यों भाभी, भाभी का तो अलग है, तैयार नहीं होने को मिल रहा है भाभी को, अभी छेड़ो नहीं कर, छेड़ो नहीं पापा दादा ठाकुर साहब और सत्यार चारों लोग हो चुके हैं रेडी, और सारे मेल मेंबर जाएंगे ये अलाए बलाए को जलाने, और शिवाय नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इनका दूसरा साल है, मे भी नेक्स्ट ईयर से वो जाएं। तो रंगोली भी हो चुकी है रेडी, और हमने चारों तरफ रख दिए हैं दिए, पूरे घर में इतनी सारी झालर लगी हुई है, बट मिट्टी के दिए रखना कंपलसरी है। और पंडित जी आ गए हैं और पूजा वगैरह चल रही है, पापा वगैरह पाठ कर रहे हैं। जय जय अम्बे ताई माम, जय जय माते पाई माम, जय जय माते रक्षमामी। वंदे लोकाभिरामं रघुकुलकं राघवं रावणानीं, रामाय राम भद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम राम रघुनन्दन राम राम, श्री राम राम गाथा गज राम राम, श्री राम राम दंडकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम, श्री रामचंद्र चरणों मनीषाय। तो हम लोग भी थोड़ी बहुत पूजा कर लेंगे और भगवान का आशीर्वाद ले लेंगे, उनको धन्यवाद कहेंगे कि इतनी अच्छी हमारी दिवाली रही, और इसके बाद हम लोग जाएंगे बाहर पटाखे छुड़ाने।
फाइनली हम सब हो चुके हैं रेडी और दिवाली की भी पूजा हो गई है संपन्न, तो अभी जा रहे हैं पटाखे वगैरह छुड़ाने। इतने सारे पटाखे हैं भाई भर भर के, इसे कंडिया में भी रखे इधर भी रखे पटाखे, में हो जाएगा दिवाली माहौल एकदम। तो पटाखे जलना शुरू हो चुके हैं, दादा सत्यार्थी ठाकुर साहब वो गार्ड साहब सब लोग लगे हुए हैं पटाखे छुड़ाने में, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी शोर भी है पर शिवाय फुल इंजॉय कर रहा है, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। दूसरी वाली साड़ी पूछ ले पल्ला नहीं है, बस इसमें आग ही जल रही है, बस ऐसे कुछ मजा नहीं आ रहा। मम्मी वाली अच्छी है, आ रहे मम्मी बैठे हुए हैं, पटाखों की बरसात हो रही है, सब भी के सब पापा दादा सब पटाखे छुड़ाने में लगे हुए हैं और हम लोग इंजॉय करेंगे। अरे ये खाएगा ही नहीं वो, लगा रही हैं। और खाने में है पनीर की सब्जी, घुइया की सब्जी और कद्दू, जिमीकंद, पनीर, पूड़ी, कचौड़ी, बहुत सारी सब्जियां। और ये सारा खाना भाभी ने, ज़्यादातर भाभी ने बनाया, मैंने भाभी की बस थोड़ी बहुत हेल्प करी है। पहली बार खा रहे हैं चॉकलेट, और मैं वैसे तो इनको देती नहीं हूँ, बट आज दिवाली है और प्रियांशु चाचू लेकर आए थे इनके लिए, मैंने कहा चलो दे देते हैं। तो आज इन्होंने फर्स्ट टाइम चॉकलेट ट्राई करी है। और ये काजल लगाना पड़ेगा वरना हम अगले जन्म में छछूंदर बनेंगे, है ना दौआ? भैया नहीं दौआ, भैया शिवाय लगे हुए हैं, दौआ लगा दीजिए इनके काजल। लो दौआ लगा दिया, लगा दिया। ये देखिए, और ये दिवाली की आखिरी वो है, प्रथा बोलेंगे या
परंपरा जो भी कह लीजिए। वंस अगेन आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड काफी इंजॉय किया हम सब ने और बहुत सारे पटाखे दौड़े। आ जाओ चल कम कम, तो शिवाय बाहर है इसलिए बुला रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को करेंगे हम यहीं पे समाप्त। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।